Hello. How are you? How are you? How's it going? Hi. How are you doing? Looking nice in this. Thank you. Hello. Hi. How are you? He's world number two now. Why? How are you? I'm good. All good? How are you doing? Please. You've made them wear the traditional dress. Yeah. सबसे पहले तो जी मैं ऑनरेबल हमारे जो गेस्ट प्लेयर्स इंटरनेशनल इधर आए हैं BISL स्क्वाश इवेंट के हवाले से पिछले साल भी एक इवेंट हुआ था जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके सक्सेस को देखते हुए और सपोर्ट और ऑर्गेनाइजर्स ने जिस तरह लोगों को मोटिवेट किया जिस तरह प्लेयर्स को मोटिवेट किया जो क्वेटा है और बलूचिस्तान के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए इवेंट बहुत मायने इस हवाले से रखती है जहाँ लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान में आना फिर ख़ासकर बलूचिस्तान में आना एक बहुत बड़ा सवालिया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल एक बहुत सक्सेसफुल अंदाज में जब चीज़ें आगे गईं एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ एक बड़ा इवेंट हुआ सक्सेसफुली गया तो उसमें मैंने देखा कि BISL में ख़ासकर आगा साहब ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और इस साल भी बड़ी मेहनत की गई और इस साल हमारे साथ वर्ल्ड नंबर टू की रिप्रेजेंटेशन है जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के एक बहुत बड़ा स्टेप है हम अपने गेस्ट को यहाँ वेलकम करते हैं जो इधर आए हुए हैं और आप लोगों की तवसल से हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में ख़ासकर सिवाय बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जहाँ लोगों की बड़ी दिलचस्पी है और जिनको हमें प्रमोट करना है और स्क्वाश एक ऐसा इवेंट है जो दुनिया में उसकी पॉपुलरिटी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पहचान है पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 10 साल का अरसा 15 साल का अरसा बड़े सक्सेसफुल अंदाज में वहाँ अपनी पोजीशन रखी है और हम चाहते हैं कि हम ऐसे अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स और इवेंट्स करा के इस चीज़ की रिवाइवल में एक अपना हाथ बटाएं वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल द प्लेयर्स द इंटरनेशनल प्लेयर्स यू ऑल हैव कम इन टू क्वेटा स्पेशली फॉर दिस इवेंट इट्स नॉट ओनली the event that which is going to really fascinate you a little bit because you are quite fascinated with the sports but I hope you've come into the right weather time Quetta welcomes you all and the people of Quetta are really happy to see you again this event for the second time happening and I'm hopeful that with passage of time we contribute further in these events and try to make it on a much bigger scale as time passes तो मैं वंस अगेन मैं ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा मशहूर हूँ ख़ासकर आगा साहब का कि आगा साहब ने मुसलसल पिछले साल भी बड़ा एफर्ट डाला इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह और इस हवाले से सारे ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने इस चीज़ को इवेंट को पिछले साल कवर अप किया मैं बड़ा मशहूर हूँ मीडिया का कि आप लोगों ने पिछले साल इस इवेंट को कवर अप जिस तरह किया था और अभी भी आप लोगों की पार्टिसिपेशन जिस तरह है और उम्मीद करूँगा ये इवेंट जैसे जैसे चलेगा हम बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ासकर स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से ये न्यूज़ बहुत मैटर करेगी एक बहुत अहमियत रखती है और इंशाल्लाह एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे ले जाने लेकिन कुछ तामीराती काम वो हैं जो बड़े बेसिक लेवल के हैं वो आपने हमारे इस PSDP में देखा होगा कि हमारे बहुत सारे अजला में कहीं क्रिकेट स्टेडियम है कहीं सॉकर स्टेडियम है कहीं कोई और फैसिलिटी है बहुत सारे टेंडर भी हो चुके हैं बहुत सारे कामों पे काम स्टार्ट भी हो गया है लेकिन हमारा जो एक मास्टर प्रोग्राम प्रोजेक्ट था जो हर ज़िले के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बल्कि हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कुछ ज़्यादा उसके आगे चले गए वो सिर्फ अब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है वो एक ओवरऑल एक फैसिलिटी होगी जो स्पोर्ट्स के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट को भी कवर कर रही है और हम उसको जल्दबाजी में इसीलिए नहीं बनाना चाह रहे जो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि उसके हर एस्पेक्ट को उसकी डिटेलिंग को उसके रिक्वायरमेंट को उस हवाले से हम बनाएं जो उस काम मकसद को भी पूरा करे हमने उसका स्ट्रक्चर उस तरह बनाना है हमने उसके मेजरमेंट्स उस तरह बना रहे हैं अमूमन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से जब चीज़ें बनती हैं तो वो उस स्पेसिफिकेशन पर नहीं बनती जो रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्समैन की होती है या उस फील्ड की होती है और बाद में फिर आप उन चीज़ों को कुछ कर नहीं सकते हम पहली दफ़ा हमने एक एक्सपर्टीज़ इनमें हायर कर रहे हैं जो उस स्पोर्ट्स से मुतलिक होंगे हम सोशल एस्पेक्ट का उसका पूरा देख रहे हैं क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट ये पूरा प्रोजेक्ट कोई 60 अरब का प्रोजेक्ट है जो पूरे बलूचिस्तान में बनेगा तो इसको अगर हम जल्दबाजी में करके अखबार में सिर्फ टेंडर देने तक अगर बात होती तो बाद में जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी उसका अजाला भी हमें भुगतना होता तो हम इसीलिए उस पर थोड़ा सा अपना वक्त लगा रहे हैं हमने कुछ कंसल्टेंट्स भी हायर किए हैं और पिछले तकरीबन 3-4 मीटिंग्स मेरी इस 20 दिन में भी हो चुकी हैं
और इंशाल्लाह भले उसको एक दो महीने और डिले हो जाए लेकिन सही बन जाए, सही प्लान हो, उसकी सही स्ट्रेटजी हो, उसका सही मैकेनिज्म बना ले ताकि वो अपने तामीराती मरहले में जब जाएगा तो अच्छी तरीके से बने। नेशन गेम्स होने थे बलूचिस्तान में, जी जी, एक तो वो नहीं हुए, उसकी भी कोई तहकीकात होनी चाहिए क्यों नहीं हुए, और दूसरी बात है कि जो हमारा दस्ता यहाँ से बलूचिस्तान में गया था 400 पता नहीं कितने खिलाड़ियों का, और मेडल मतलब ज़्यादा नहीं जीत सके, इसकी भी वो होनी चाहिए कि सिर्फ वो वहाँ के लिए गए थे या खेले भी। देखिए सबसे पहली बात है कि प्लेयर उस वक्त अच्छा परफॉर्म करता है जब उसको अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छे इवेंट्स मिलते हैं, अच्छे फैसिलिटी मिलती है, और जब तक अगर आप प्लेयर्स को एक अच्छा माहौल और एक अच्छी फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो उसकी ग्रूमिंग नहीं होती है। तो जितनी अच्छी फैसिलिटीज़, जितने अच्छे इवेंट्स, जितने अच्छे प्लेयर्स काउंटर खेलने आते हैं, प्लेयर इम्प्रूव होता रहता है। बदकिस्मती के बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स को कभी ज़्यादा दिलचस्पी इस हवाले से नहीं दी गई, इवेंट्स के हद तक हमने दी, बस एक दो फंक्शन करा लिए, प्रोग्राम करा लिए, लेकिन कंक्रीट अंदाज में चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसको फोकस करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने नेशनल गेम्स की बात की, ये फैसिलिटी जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उसी वक्त मेरा ख्याल ये डिसीजन चेंज हुआ था कि इसको कहीं और जाना है, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि माजी में कुछ कंस्ट्रक्शनल काम जब स्टार्ट हुए थे वो उस वक्त तक कम्प्लीट नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल दो दिन पहले खालिक हज़ारा साहब जो हमारे स्पोर्ट्स कल्चर के मिनिस्टर हैं, आरिफ असनी साहब के साथ और कुछ और लोगों के साथ इस पूरा मुआयना किया, काम की निगरानी कर रहे हैं, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट फेज के लिए अपनी पूरी तैयारी करें और अयूब स्टेडियम की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं स्पोर्ट्स की उनको पूरे अच्छे अंदाज में कंप्लीट कर सकें। पहले देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स को बलूचिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान लेवल पर भी आप देखें, चंद स्पोर्ट्स को निकाल के बाकी किसी स्पोर्ट्स को फोकस नहीं किया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट जब से आई है हमने सिर्फ क्रिकेट या सॉकर को फोकस नहीं किया, हम स्क्वाश की तरफ गए हैं, हम आर्चरी की तरफ हमने लोगों को थोड़ा सपोर्ट किया है, इसी के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की तरफ हमने लोगों को सपोर्ट किया है। वो सारे गेम्स जो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी खेल सके, हर आदमी अपनी एक्सपर्टीज़ किसी न किसी और फील्ड में रखता है, तो प्लेयर्स को पहले तो आप ये मौका दें कि उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिले और एक अच्छा माहौल मिले खेलने का। सेकेंड फिर होता है कि जब इसके बाद चीज़ें सामने आती हैं तो फिर आप वाली बात कि हमें ये असेसमेंट करनी पड़ेगी कि इन प्लेयर्स को हम बेहतर और किस तरह बनाएं। ये देखिए बड़ा सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ कोई इवेंट करा दिया अच्छा प्लेयर बन के निकलेगा, आपको ट्रेनर्स लेने पड़ते हैं, आपको फिजियोस लेने पड़ते हैं, आपको उनको बाहर अच्छे इवेंट्स में भेजना पड़ता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसको मज़ीद एक्सपर्टीज़ उसकी इम्प्रूव करनी पड़ती है। सो स्पोर्ट्स एक साइंस बन गया है, ये माजी की तरह 15-20 साल पहले नहीं था कि आप एक स्क्वाश का रैकेट या एक क्रिकेट का बैट लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, दिन में 15-20 किलोमीटर रनिंग कर लें। अब तो इसकी एक डाइट्री डिफरेंट है, इसका एक अप्रोच डिफरेंट है, एक मेंटल अप्रोच बड़ा डिफरेंट है। सो हमारे लिए पहला कदम है कि हम एक दो कदम जो हमने चीज़ों में लिए हैं और हम इसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ भी इंशाल्लाह भी आ जाएंगे। सर एक मिनट सर, मैं दो बातें कहता हूँ कि टाइम हो गए, एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि जी प्लीज़ कि देखें हथियार होगा तो आप किसी को उस जंग में उतारेंगे, अगर उस बेचारे के पास हथियार होगा नहीं आप उनके साथ उतारें जिसके साथ हथियार है, सबसे पहले। दूसरा, स्पोर्ट्स को आगे बलूचिस्तान में लाए नहीं गया, ठीक है, अच्छे हमारे पास टैलेंटेड जो उस्ताद हैं, देखिए उस्ताद जितने टैलेंटेड होंगे तो बच्चा उतना प्रोग्रेसिव निकलेगा। जिस फील्ड्स में लास्ट ईयर जो जाम साहब ने सपोर्ट किया, कराटे के लड़के हमारे गए तो गोल्ड मेडल्स लेकर आए, ये नहीं है स्पोर्ट्स में इधर टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और लास्ट ईयर से जाम साहब को आप देखें कितने अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि बलूचिस्तान में नहीं हो सकता तो ये आज हम जो बैठे हैं हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे टॉप सेकंड रैंकिंग जो है ये पहले टॉप वन पे भी रह चुके हैं, आज वो इधर मौजूद हैं, तो हमें और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक खुद एक एक जवाब है सबके लिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आज इधर आए हैं जहां हमारे नेशनल गेम्स हमसे चले गए, तो ये बहुत अफसोस की बात है, ठीक है जी। एंड दूसरी बात ये है कि मैं जाम साहब का, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे को स्पॉन्सर करने में और सपोर्ट करने में,
और उनके बगैर आज हम इधर पहुंच नहीं सकते थे अगर जाम साहब का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होता है। तो हम जी आपसे इतना बोलूंगा कि हम जा रहे हैं, टाइम हो गया लगे दो दो मिनट बखल बात के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू यू वांट विजुलाइज टू लाइक से फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश जस्ट से दैट हाउ डू यू फील दैट यू हैव कम टू बलूचिस्तान एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। No, I mean, I just want to thank everyone, of course, for organizing such a great tournament. We've been here, myself have been to Islamabad and Karachi two or three times before. It's my first time to Quetta, but I know people here love squash and it's a very famous sport. So we love coming here and we love to like participating in the tournaments here in Pakistan. इनको पहले बोलने दे दें। मैनेजर ऑफ करीम अब्दुल गवाद एंड माजन श्याम। तो जब मुझे उमर साहब ने कहा था कि इनको यहाँ पर लेकर आना है, तो सबसे मैंने मेरा ड्रीम था हमेशा से, मैं लास्ट टाइम 2005 में यहाँ पर आया था और तब से लेकर अब तक स्क्वाश में कुछ हो नहीं रहा था बलूचिस्तान में। जिस प्लेयर से बात करो आने के लिए रेडी नहीं था, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ और ये इन्होंने बस मेरी एक फ़ोन कॉल पर ये रेडी हुए यहाँ पर आने के लिए और सारे के सारे आपके सामने। और ब्रिटिश ओपन चैम्पियन जो है लास्ट ईयर का वो भी आ रहा है, 10:30 की फ़्लाइट है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर हियर।